सलाम वालेकुम, अभी मुझे मेरे कजन अदीब ने आके उठाया है। भाई मैच फंस गया है हूं भाई साहब। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओए। 5 बॉलों पे 21 रन चाहिए। या अल्लाह पाक, नेदरलैंड जीत जाए। बेहतरीन। अल्लाह पाक साउथ अफ्रीका निकल जाए। अल्लाह पाक निकल जाए। एक और मिस करा दी। बस 2 बॉल अगर नॉर्मल चली जाए जीत जाए। बाबा नेदरलैंड ने हरा दिया ने साउथ अफ्रीका को। मैं नहीं मानता, अपसेट कर दिया भाई नेदरलैंड ने। शेख साहब मजा आ गया। आए स्कूल जा रहे हो? स्कूल छुट्टी कर लो यार, क्या करोगे जाके मैच देखो। पाकिस्तान की होप्स आ गई भाई, मुबारक को क्वालिफाई कर लिया। हाँ खुश कितने नेदरलैंड वाले यार। किसको नेदरलैंड को चाहिए होंगे, लेकिन भाई 160 का टारगेट। अच्छा पाकिस्तान इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया यार, बताओ अब तुम। अब पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा मैं बता रहा हूँ। अबे मुंह शक्ले देखो। A few moments later. अरे भाई साहब जीत गए। हाय नेदरलैंड से जीत गए। नेदरलैंड ने अपसेट कर दिया भाई। खुशी देख रहे हो नींद से उठने के बाद? नींद अदीब भाई मुबारक हो। अब हमने सिर्फ बांग्लादेश को हराना है। अल्लाह करे सेमीफाइनल में कैसे जाएंगे यूं करके। अजीमो शान 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 बहुत ही अच्छा। ओ भाई गब्बे उम्मीद नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह यार, क्या तो कोई मौजा हुआ यार भाई। मतलब मत पूछो, मैं सो रहा था, मैंने अलार्म लगाया था 6:30 बजे का कि मैं उठूंगा पाकिस्तान और रिजल्ट देखूंगा, क्योंकि मेरे जहन में तो ये था, मैंने माइंड बनाया हुआ था साउथ अफ्रीका और इंडिया सेमीफाइनल में जाएंगे। उठा क्या हूं मुझे अभी कोई 6:20 पे सुबह, क्योंकि पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक पाकिस्तान का मैच है सुबह के 9 बजे और यहां पे 7 बजे, 2 घंटे का डिफरेंस है। मुझे प्रसन्न ना उठा, मौत भाई 5 बॉलों पे 23 रन चाहिए। मैंने कहा चाहिए होंगे उसको, नेदरलैंड को नहीं चेस कर पाएगा भाई। पता लगा साउथ अफ्रीका को चाहिए और साउथ अफ्रीका हार गया अपसेट भाई। ये क्या हो रहा है इस बार के वर्ल्ड कप में? पहले जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को, अब नेदरलैंड ने भाई। अब सिंपल सा सीन है, थोड़ी देर में मैच स्टार्ट है, व्लॉग में उस तरीके से नहीं कर पाऊंगा लेकिन बीच बीच में लाजमी करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई क्या कहते हैं जो मोमेंट्स है ना, तो अब ये है सिंपल सा सिनेरियो है, साउथ अफ्रीका जो है आउट है, वर्ल्ड कप से आउट हो चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के अंदर जो जीता सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल एक तरह से कह लो, तो भाई यही है पाकिस्तान के डगआउट में, तो भाई एक होप नजर आ गई। क्योंकि अगर ये मैच साउथ अफ्रीका जीतता, साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल, जिम्बाब्वे के लिए वेट करना पड़ा था कि जिम्बाब्वे हराए किसको, इंडिया को। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कजन ने उठाया है सुबह 6:30 बजे। मैं तो भाई जिस तरह देखा होगा व्लॉग में, मुंह कुछ भी नहीं धोया हुआ, लेकिन मैच के लिए भाई देखो क्या क्या करना पड़ता है यार। मैंने अपने शेख साहब को बोला, मैंने कहा शेख साहब क्या कर रहे हो जाके भाई, आज क्वार्टर फाइनल है पाकिस्तान बांग्लादेश का, अल्लाह ताला ने क्या उम्मीदें दिखाई है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई कसम से भाई मुझे वाइब आ रही है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने की। अल्लाह मालिक है। हाँ इतना पता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा भाई। अल्लाह ताला ने यार क्या मतलब रास्ते नहीं होते, अल्लाह ताला ने क्या रास्ता बनाया यार कि नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो भी वर्ल्ड कप में। साउथ अफ्रीका वाले दोस्तों हमने डगआउट में बैठे यार, साई सेमीफाइनल था सीधा। लेकिन भाई खुशी इस बात की, थोड़ी देर मैच स्टार्ट है तो मैच के बीच बीच में मिलते रहते हैं, सही है ना? ओके, टॉस हो चुका है,
टॉस हो चुका है, टॉस जीता बांग्लादेश ने और टॉस जीत के बांग्लादेश कर रहा है पहले बैटिंग। तो खैर देखते हैं, अल्लाह मालिक है यार, हम चेज भी कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो भाई सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है। पहली इनिंग हो गई है, 129 समथिंग का टारगेट दिया है, ठीक है ना, 128 का टारगेट दिया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बहुत आउट क्लास बॉलिंग, बहुत आउट क्लास, सही है ना। तो सीन कुछ ऐसा है कि भाई सिंपली चेज करना है, सेमीफाइनल में जाना है, इंशाल्लाह जाएंगे। मसला मेरे पास वो ये कि मैं इसको टीवी पर कैसे लगाऊं, यहाँ पर केबल्स नहीं आते और मेरे पास एक फोन है, फिर ब्लॉक करने के लिए भी फोन चाहिए। तो इसमें मैं मैच देख रहा था, अभी कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ पाकिस्तान की बैटिंग में करते हैं, नहीं हुआ तो मैच एनालिसिस में ही बात कर लेंगे हम। और ये हमारी नई दोस्त मिली साहिबा, खाना खा रही है अपना, और इसका भी मैंने ब्लॉग में इंट्रोडक्शन करवाया अलग से। मिली 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 भाई, ये सीन है। तो अब बस पाकिस्तान की बैटिंग शुरू होती है, फिर मिलते रहते हैं आपसे। ओके हो गया यार, फ्री हिट है, छक्का 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 छक्का, छे 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 छे, ओ लड़के शॉट यार, गेम बन गया भाई, ओए होए 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 यार, ये बैटिंग चाहिए थी, इसलिए कह रहा था मैं इसको ओपनर भेजो। ये देखो माशाल्लाह, लड़के ने छे कैसा प्यारा मारा यार, स्मूथली छक्का, मजेदार। तो भाई इंतजाम हो गया था मैच देखने का, कहाँ गया मोबाइल, ये देख सकते हो ये कनेक्ट है इससे, मैच इस पे चल रहा है, बड़ी मुश्किल से जाके हुआ। और आखिरी के 5 ओवर पाकिस्तान ने बॉलिंग तो बहुत अच्छी करी, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं, अभी बैटिंग चल रही है और फिर से मैच फंसा दिया। कहते हैं ना भाई, पाकिस्तान टीम है फंसा भी सकती है, और मुश्किल से मुश्किल टीम से जीत जाएंगे, आसान से आसान टीम से हार जाएंगे। यार हारिस खत्म करो गेम तुम ना, छक्का मार के, बेहतरीन बेहतरीन, सिंगल सिंगल, बहुत है बहुत है। ये लड़का जो है ना मोहम्मद हारिस यार, इस बंदे ने गेम के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी और इधर भी बेहतरीन सिंगल ही है, सिंगल डबल भाई। यही T20 की गेम हो रही है, मैंने अपने एनालिसिस में भी बात करी थी कि इसको भेजो वन डाउन, इसको वन डाउन नहीं सॉरी, इसको ओपनर भेजो रिजवान के साथ। लेकिन नहीं, अपनी अना का मसला है, क्या मसला है, लोग अपनी जगहें चेंज नहीं करते, और वही हुआ। रिजवान का कैच छूट गया तो उसने 30-35 रन बना दिए, 10 ओवर में 56, 128 का टारगेट आप चेस कर रहे हो, जल्दी से जल्दी खत्म करना है। इनके 10 ओवर में 56, मैच खुद फंसा दिया, विकेट्स गिर गई, वो तो हारिस ने संभाला हुआ है यार, मतलब 31 रन है 17 बॉलों पे। ये गेम आपको चाहिए T20 के लिए, बस बेहतरीन लड़के मारो, चौका खत्म करो यार, जल्दी जल्दी सेमीफाइनल में पहुंचो, बेहतरीन 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 बेहतरीन, चल चल चल, जीत गए मैच, जीत गए। शान मसूद ने फिर चौका मार दिया यार, ये बैटिंग, अब ये देखो ना 14 रन रह गए 23 बॉलों पे, कहां बिल्कुल कहां, एक टाइम पे रह गए थे 60 बॉल्स के ऊपर कोई 72 रन यार। ये देखो, ये होता है T20 का गेम, हारिस और शान, ये तेज खेलना था आपने गेम, वो बाबर, अबे भाई अपने रन नहीं होते T20 में, हर जगह पर कवर ड्राइव्स नहीं लगती, कुछ जगह पे स्लॉगिंग करनी पड़ती है, कब समझेंगे ये लोग। शान भाई 6 मारो, एक खत्म, ये चीज, ये देखो, ये आय है, ये आपने ये शॉट्स खेलनी है, ये आपने ये गेम खेलनी होती है। अब ये देखो, ये एक और मारेगा, खत्म, बस बेहतरीन सिंगल्स, ओके ओके, इजी इजी। ये मुझे लग रहा है लड़का विनिंग हिट मारेगा कुछ ना कुछ, 6 या 4, बेहतरीन, अरे अरे आउट हो गया यार, कोई बात नहीं, इजी इजी, भले आउट हो गया, गेम बना कर गया लड़का, मानो या ना मानो, बहुत आला, ताली मारो, खैर है, कोई मसला नहीं, चल, ये बेहतरीन, कोई नहीं, ये गेम बना कर चला गया ना, तेज खेल के गेम बना के चला गया, अब दुख नहीं है। देखो ना 31 बना दिया 18 बॉलों पे, ये गेम चाहिए थी। बाबर भाई स्ट्रगल तो कर रहे हैं यार, स्लो नहीं खेलना था अंकल, तो अब तो 7 रन रह गए 18 बॉलों पे, खत्म करो यार जल्दी जल्दी मार के, ये बेहतरीन, 6 मार दो, गेम एंड करो, अरे नहीं, बस हो गया, रन हो गया, 5 रन रहेगा भाई 16 बॉलों पर, खत्म कर दो चौका यार, अभी भी एक एक रन, सही है, दो 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 दो, ये बेहतरीन बॉयज, 3 रन रहेगा भाई, 3 रन, चलिए भाई खत्म हो रहा है, मैं उठ चुका हूँ तो उसका मतलब ये भी चौका मारेगा, अरे नहीं भाई 2 रन 1 रन, बाबर भाई बड़े टेंस बैठे हैं भाई, बहुत टेंस। खैर यार ये सोचना चाहिए कि अपनी पोजीशन थोड़ी सी सेक्रीफाइस करें, और जो है हारिस को आने दें ओपनर, भाई आपको गेम चेंजर चाहिए अभी, जो आपको ओपनिंग में पावर प्ले में स्कोर कर दे, सही, 2 रन रह गए 13 बॉलों पे,
देखते हैं इफ्तिखार फिनिश करते हैं कि नहीं। चलिए जी भाई देखिए, अबे भाई अबे आउट, दो रन चाहिए आउट होगा। अबे भाई विनिंग हिट नहीं लगती, सिंगल ले लो, जो सेट स्ट्राइकर है उसको दे दो। नहीं ये देखो ये ओए खैर है यार आउट हो गया। चलिए भाई गेम खत्म हो गया, ये देखो भाई खत्म खत्म खत्म, जीत गए यस सेमीफाइनल में, ये चाचे पहुंच गए सेमीफाइनल में, जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, जीत गए। देख रहे हो अकेला व्लॉग कर रहा है आपका भाई, अकेला व्लॉग कर रहा है, नो वन नो वन भाई। पाकिस्तान 1/5 wickets जीत गए भाई जीत गए, सेमीफाइनल पहुंच गए, इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड न्यूजीलैंड गया भाई, जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए, सेटिस्फेक्शन, पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई, हाय 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कौमी टीम बुध को कीवीज के खिलाफ सिडनी में सेमीफाइनल खेलेगी भाई, सिडनी में होगा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से वेडनेसडे को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेमीफाइनल में पहुंच गए वेडनेसडे को सुबह 11 बजे सऊदी टाइम के मुताबिक, 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, 1 बजे और ऑस्ट्रेलिया में रात में, तो सारे टाइम ही बता दिए मैंने, तो बस यही है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं से नेदरलैंड को शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनके घर मिठाइयां केके लेकर जाएं कि भाई आप लोगों ने मैच जीता, इस वजह से हम इस काबिल हुए कि हमने बांग्लादेश को हम बीट करके हम सेमीफाइनल में आ सके। तो अब चक्कर ये है कि अभी जिम्बाब्वे और इंडिया का मैच, उससे तो अपने इतना लेना देना है नहीं, तो अब इंडिया पे डिपेंड है भाई, इंडिया अगर हार जाता है जिम्बाब्वे से तो इंडिया का मैच होगा न्यूजीलैंड से, और जीतेगा तो इंग्लैंड से होगा सेमीफाइनल, तो डिपेंड है। खैर हमारी टीम तो अभी टॉप कर रही है भाई टेबल, सो यू नो, तो खैर चौकियां अपनी जगह, मिलते हैं अब आपसे एनालिसिस वीडियो में, थोड़े मैच के बारे में बात करेंगे, कंसर्न करेंगे कि सेमीफाइनल में क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्या क्या इनको करना चाहिए, और मैच के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। ओके हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग या वीडियो में, ओके हो गया भाई, अल्लाह हाफिज़।